गिलगित बल्तिस्तान में जो घर होते हैं उन घरों के आंगनों में या जो कोर्टयार्ड होते हैं उनके अंदर उगाए हुई सब्जियों के बारे में, और यहाँ पे सब्जियों के साथ साथ फूल भी उगाए जाते हैं, अच्छा, और फल फ्रूट जितना पॉसिबल हो जिसमें चेरी, अंगूर, एप्पल्स, पीचेस, एप्रिकॉट्स, हर किस्म के फ्रूट आपको मिलते हैं। तो आज के व्लॉग में हम कवर करेंगे कुछ सब्जियों को और कुछ यहाँ अनुषा और आहित के घर में उगे हुए सब्जियाँ और अंगूर यहाँ का जो कि पक के रेडी हो चुका है। जी आज 7 जुलाई 2022 है और हम गिलगित जुटियाल में मेरी बहन के घर में हैं और ये जीनत शाह है मेरे पीछे खड़े हुए। तो ये गिलगित में इस वक्त अंगूर का मौसम आ रहा है। तो इस घर में, मेरी बहन के घर में, आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये एक छोटी सी क्यारी है, यहाँ पे हर किस्म की सब्जियाँ उगी हुई हैं। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये जो खूबसूरत फूल है, ये अगर आप में से कोई भिंडी के फूल से नावाकिफ है तो ये भिंडी का फूल है। और यहाँ भिंडी किस तरह लगती है मैं आपको ये दिखा दूँ कि ये लीजिए जी, ये लीजिए, ये बिल्कुल फ्रेश भिंडी। और ये देखें जनाब, अंदर लगे हुए हैं ज़बरदस्त किस्म के। और यहाँ से इस तरफ जब आ जाते हैं तो ये ग्रीन सलाद है, ग्रीन सलाद के पत्ते। इनको ऐसे ही गिलगित बल्तिस्तान में इनके ऊपर कोई ड्रेसिंग वगैरह नहीं करते हैं, ज़्यादातर इनको एज़ इट इज़ धो के साफ सुथरा फ्रेश खाने के साथ खाया जाता है। और ये जो दरख्त है ये हरी मिर्च का है, और कुछ जगहों में हरी मिर्च लगी हुई भी होगी तो मैं आपको दिखा दूंगा। और ये शिमला मिर्च, ये जो है ये शिमला मिर्च आपको नज़र आ रहा है। इस छोटी सी क्यारी में बहुत सारी चीज़ें हैं, ये शिमला मिर्च लगे हुए हैं। गिलगित बल्तिस्तान में इंजीर भी बहुत मशहूर है, मैं आपको दिखा दूँ। ये दरख्त जो है इंजीर का है, ये देखें इंजीर लगे हुए हैं फ्रेश फ्रेश। इसको आप यहाँ से तोड़ के बस धो के और खा लीजिए। मैं इसको अभी, ये रेडी है तो इसको खा लेता हूँ। ज़बरदस्त इंजीर के फल बेहतरीन लगे हुए हैं। ये दरख्त जो है ये बैंगन का है, ये पौधे मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर अगर कोई बैंगन लगा है तो वाह, ये देखें, ये देखें जी, ज़बरदस्त किस्म का फ्रेश बैंगन। तो ये देखें, ये देखें जी, बेहतरीन बैंगन लगे हुए हैं इस पर। इधर अगेन हरी मिर्च के पौधे हैं और ये दो तीन किस्मों के डिफरेंट। ये देखें, ये अभी अभी उगा है, ये और लंबा हो जाएगा थोड़े अरसे में। और इसके पीछे यहाँ मैं आपको दिखाऊँ हरी प्याज, अनियन, ये गिलगित बल्तिस्तान की मशहूर सब्ज़ी है, स्वांचल, स्वांचल कहते हैं इसको। हरी मिर्च की एक और किस्म भी यहाँ उगाई हुई है, ये देखें। तो इस तरफ थोड़ा सा आएंगे तो यहाँ मुझे फ्रेश टमाटर नज़र आ रहे हैं, ये देखें टमाटर लगे हुए हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अब आप देख लें, ये राजमा के पौधे हैं, आराम से निकालो, आराम उसके नीचे जोड़ है, वो जोड़ में ना उसको रिवर्स पोजीशन में आप खींचो तो निकलेगा। हाँ, एक मिनट, एक मिनट, जी ये देखें जी, ये अंगूर का गुच्छा हमने उतारा है, अब इसको खाते हैं। ये जो है फ्रेश अंगूर आ गया हमारे सामने, तो इसको खाते हैं। आहिद, ट्राई इट, ग्रेट। और ये लें जनाब, ग्रेट, क्या ज़बरदस्त अंगूर है यार, गिलगित के अंगूर की बात है क्या। थैंक यू। मैं आपको अपने बहन के घर, जो गिलगित सिटी के अंदर जो घर है, गिलगित में जैसे मैंने गांव में आपको घर दिखाए थे, गांव में तो ये होता है कि घर के आसपास बड़े बड़े खेत होते हैं, बड़ी बड़ी क्यारियाँ होती है, तो वहाँ फसल उगाना, सब्जियाँ उगाना,
बहुत आसान होता है, वाफर मकदार में दरिया का पानी वन मैसर होता है और दूसरी चीज़ें। लेकिन शहरों में जैसे गिलगित सिटी है, गिलगित सिटी के अंदर आपके पास इतनी बड़ी ज़मीन नहीं होती है, आपके पास 5 मरले का 10 मरले का 12 मरले का या ज़्यादा से ज़्यादा 1 कनाल की ज़मीन होती है। उसके अंदर आपने घर भी बनाना है, गाड़ी की पार्किंग भी करनी है, लेकिन थोड़ा सा आपके पास उसमें जो है वो लॉन जिसको हम कहते हैं घर के आंगन में, वो आप छोटा सा बना सकते हैं। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये एक वे ऑफ लाइफ है नॉर्दर्न पाकिस्तान में, खासकर पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों के बारे में मुझे इतना नहीं पता, लेकिन नॉर्दर्न पाकिस्तान में ये एक वे ऑफ लाइफ है, एक लाइफ स्टाइल है, और ये बहुत खूबसूरत भी है। इससे इसके कई फ़ायदे हैं। इससे तो एक तो आपके घर के आसपास एक खूबसूरती बढ़ती है, दूसरा इससे आपके घर का जो इन्वायरमेंट है, घर के बाहर जो इन्वायरमेंट, वो अच्छा हो जाता है। ओवरऑल इन्वायरमेंट के लिए भी इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। अच्छा, तीसरी जो अहम बात है वो ये है कि जैसे हम महंगाई का रोना रोते हैं रोज़ कि भाई बाज़ार में खुर्दनोश की अशिया इतनी महंगी है, चीज़ें सस्ती नहीं मिलती हैं, दालें महंगी हैं, सब्ज़ियाँ महंगी हैं, टमाटर महंगे हैं, तो ये एक बेहतरीन तरीका है जिसमें आप एक सस्टेनेबल वे ऑफ लाइफ अपने लिए खुद ही क्रिएट करते हैं। इसमें थोड़ा सा आपने एफर्ट लगाना होता है, और उस एफर्ट का फ़ायदा ये भी है कि आप अपने ऑफिस या दूसरे कामों से फारिग होके जो फारिग टाइम आपके पास होता है वो आप एक तामीरी अंदाज में आप इस तरह की छोटी छोटी क्यारियाँ अपने घर में घर के आसपास बना के उससे आपकी जिस्मानी वर्जिश भी होती है, आप मेंटल हेल्थ के इश्यूज से बच जाते हैं, फिर जैसे कि मैंने आपको बताया आपका इन्वायरमेंट अच्छा होता है, फिर शाम को आपके पास एक ऑर्गेनिक सेहतमंद सब्जी, ऑर्गेनिक सेहतमंद फ्रूट आपके दस्तरखान पे आ जाता है बगैर कोई पैसा खर्च किए हुए। आपने सिर्फ ये करना है कि थोड़ा सा पानी का इंतज़ाम करना है, ये कहीं से आप लेके भी आ सकते हो, या अपने नलके के पानी से जो रिसाइकल जो पानी आप जिसको करते हो, जिसको यूज़ करके दोबारा उसी पानी को आप क्यारियों में यूज़ कर सकते हो, तो ये एक वे ऑफ लाइफ है। और इसी तरह अभी ये जो मैं आपके सामने रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप देख सकते हैं, आप अपने घर के अंदर भी खिड़कियों के जो सिल होते हैं वहाँ छोटे छोटे गमले रख के उनके अंदर इस तरह के पौधे आप लगा सकते हैं। उसमें आपने डेली एक एक्टिविटी अपनी थोड़ा पानी डाल दिया उसको, इससे आपके घर के अंदर का माहौल भी खूबसूरत हो जाता है। और फिर इन्हीं खिड़कियों के सिल में मैंने पिछले साल यहाँ पे मिर्चियाँ उगाई हुई थी और छोटी छोटी सब्जियाँ आप यहाँ भी लगा सकते हैं। तो ये इसलिए मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, आपके पास जगह भी होगी, टाइम भी होगा, रिसोर्सेज भी होंगे, लेकिन थोड़ा सा एफर्ट करके अपने घर को और अपने हेल्थ के लिए भी एक खूबसूरत इन्वायरमेंट आप खुद क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू।